अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफू बाबजर और आप देख रहे हैं शेफू बाबजर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज जो हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं वो है बहुत ही मजेदार से पिज्जा पैनकेक्स, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और मेरे हनानदर को भी बहुत पसंद है। और ये रिक्वेस्ट उसी ने की थी कि बाबू जो आप पिज्जा पैनकेक्स बनाते हैं उनकी रेसिपी बना के अपलोड करो। ये है जी वो हनानदर जो हर वीडियो में मेरे साथ आ जाते हैं और अभी भी है। ये रेसिपी स्पेशली आपके लिए, तो खुश तो बहुत होंगे आप हैं। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों के साथ मिलके बनाइएगा। इसमें कोई भी मुश्किल स्टेप नहीं है, कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट नहीं यूज हो रहा, सब कुछ बहुत आसान सा है। बस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि एक एक पॉइंट का, एक एक चीज का आपको पता चले और पूरा मेथड आपको पता हो, ताकि आप भी आराम से चीज बना सके। तो चलिए चलते हैं अब अपने किचन में और बनाते हैं पिज्जा पैनकेक्स। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज्जा पैनकेक्स के आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 2 कप हमें दूध चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि ये तेज गर्म ना हो, बहुत ही हल्का सा गर्म होना चाहिए। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैंने लिया है 2 कप मैदा और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर का, और दोनों को मैंने आपस में छान लिया है। और छानना इसमें बहुत जरूरी है, आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। 2 eggs और मेल्टेड बटर हमें चाहिए 3 टेबलस्पून, और उसके बाद हमें चाहिए 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये हो गए जी पैनकेक्स के बैटर के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम लेंगे दूध और उसमें हम ऐड करेंगे एग्स। एग्स ऐड कर लेने के बाद हम उसको बीट करेंगे। बीट कर लेने के बाद हम उसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद हम अगेन बीट करेंगे और फिर ऐड करेंगे मेल्टेड बटर और फिर से बीट करेंगे। और फिर जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर का ड्राई मिक्सचर बनाया था, इसको हमने बहुत ग्रेजुअली ऐड करना है। काफी सारे पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर लेना है और आराम आराम से आपने इसको ऐड कर लेना है, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप इसको एक साथ सारा ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बन सकते हैं, और लम्स बैटर में बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। एक स्मूथ सा बैटर तैयार होना चाहिए। ये लीजिए पिज्जा पैनकेक्स का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बारी आती है जी पिज्जा की टॉपिंग की। तो टॉपिंग की चीजें आप देख लें। सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन और ये है 1 कप, और इसकी कटिंग आप देख लें, मैंने मिनी क्यूब्स किए हैं क्योंकि मिनी पिज्जा है तो उसके ऊपर मिनी क्यूब्स ही अच्छे लगेंगे। और इसके बाद इसके स्पाइसेस में हम लेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और दादर मिर्च। इन सब की क्वांटिटी 1/2 टीस्पून है और ये 5 चीजें मैंने 1/2 टीस्पून के अकॉर्डिंग ही लिए हैं। और ये है सूखा धनिया और जीरा। जैसे कि आप सबको पता है मैं हमेशा दरदर फॉर्म में यूज करती हूँ, मैं कभी भी पाउडर फॉर्म में यूज नहीं करती। और ये दोनों भी 1/2 टीस्पून है। 2 टीस्पून सोया सॉस और इसके बाद मैंने लिया है विनीगर। विनीगर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। आपने इससे ज्यादा नहीं डालना, अगर आप ज्यादा विनीगर डालेंगे तो चिकन खट्टा हो जाएगा। ओरिगैनो मैंने लिया 1/2 टीस्पून, लेकिन ये पूरा नहीं ऐड होगा, इतना सा मैं बचा लूंगी और वो हम पिज्जा के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने ली है पिज्जा सॉस, और अगर पिज्जा सॉस आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह चिली गार्लिक केचप भी यूज कर सकते हैं। ये होममेड पिज्जा सॉस है और इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। कैप्सिकम, अनियन और ब्लैक ऑलिव्स, इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये आपको जितने पसंद है आप उतने ऐड कर सकते हैं। और टॉपिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें जो पसंद है आप उसको ऐड कर सकते हैं और जो नहीं पसंद उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये 50% मोज़रेला और 50% चेडर चीज है मेरे पास, यानी कि ये मिक्स चीज है मेरे पास। आप चाहें तो हाली चेडर ले लें, चाहें तो हाली मोज़रेला ले लें, लेकिन अगर मिक्स करके लेंगे तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी। और इसे श्रेड करके मैं इसको रख लेती होती हूँ। और इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आपको जितनी पसंद है आप उतनी ऐड कर सकते हैं। वो अलग बात है, हमारा दिल करता है कि सारी की सारी एक ही पिज्जे पर डल जाए, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। तो चले अब चिकन बना लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, और जैसे ही ऑयल हीट अप हो जाएगा हम उसमें डालेंगे चिकन। और चिकन को हमने हाई फ्लेम पे तब तक फ्राई करना है जब तक वो पूरी तरह से व्हाइट नहीं हो जाता। और यहाँ पर है जी आप सबके लिए एक स्पेशल टिप, अगर आपका चिकन व्हाइट ना हो रहा हो तो उसको थोड़ी सी पैरल अबरी लगा लीजिएगा। और लाहौरियो मजाक ही गए, सीरियस ना ले लेना। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा हम उसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, विनीगर और वो जो स्पाइसेस मैंने आप सबको बताए थे वो सब हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में इसको पकाएंगे। और अब जो फ्लेम है वो मीडियम है और मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको पका रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ओरिगैनो, और ओरिगैनो हम जरा सा रख लेंगे ताकि हम पिज्जा के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकें।
और अब आप इसको जरा सा पकाएं और जैसे ही आपको पानी की जरूरत हो आप 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपने इसको स्टीम पे रख देना है। स्टीम पे हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही रखेंगे। ये ले जी, ये तैयार हो गया है और ये बहुत मजे का बना था। आपने भी सेम इसी मेथड से ये बनाना है, ये बहुत अच्छा बनता है। मैं कोई भी बाहर के मसाले यूज ही नहीं करती हूँ क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोशिश किया करें कि सैशे पैक ना यूज करें, घर के मसालों से भी चीज बहुत अच्छी बनती है। चले जी, अब बारी है पिज्जाज बनाने की। सबसे पहले आपने पैन को तेज आंच पे हीट अप कर लेना है और जैसे वो हीट अप होगा आपने एक साइज अपना रखना। अगर मैं इस कप से डाल रही हूँ तो मैंने अगला भी इसी कप से डालना है। अगर आप एक स्पून यूज करें, कोई चमचा यूज करें, तो आपने दूसरा पिज्जा भी उसी स्पून से डालना है ताकि आपके पिज्जा एक साइज के बने। और आपने इस रेसिपी के मिनी पिज्जा ही बनाने हैं क्योंकि ये उन्हीं की रेसिपी है। अगर आप इससे लार्ज पिज्जा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे सही नहीं बनेगा, आपसे हैंडल नहीं होगा। आप इसी साइज के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पिज्जा बनाए और इंजॉय करें। और इसको बनाने का तरीका ये है कि जैसे इसकी एक साइड पे बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब इसकी दूसरी साइड जो है, नीचे वाली जो साइड है, वो पक चुकी है अच्छे से। तो अब आपने इसको किसी भी फ्लैट स्पून से इसको पलटना है और बहुत एहतियात से आपने इसको पलटना है, बहुत केयरफुली ऐसे। ठीक हो गया जी। और इसको बनाने का एक तरीका ये है कि आपने पैन को पहले रखना है हाई फ्लेम पे। जैसे ही वो हीट अप हो जाएगा तो आपने उसके अंदर डालना है बैटर और उसको कर देना मीडियम फ्लेम पे। और जैसे ही आप उसकी साइड पलटेंगे उस वक्त आपने उसको करना है लो फ्लेम पे। ये थोड़ी सी टेक्निक है, इसको आपको समझना होगा। और अभी ये लो फ्लेम पे है और जब तक हम इसके ऊपर से टॉपिंग कर रहे हैं ये उतनी देर में नीचे से कुक हो जाएगा। एंड पे स्प्रिंकल करने के लिए 2-3 चीजें, उसमें रोजमेरी है, ओरिगेनो है और रेड चिली फ्लेक्स हैं। आपका जो दिल करता है वो आप स्प्रिंकल कर लें, जो नहीं दिल करता वो ना करें, इट्स टोटली अप टू यू। और अब हम पैन को कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए, जब तक चीज मेल्ट नहीं होती। दैट्स इट, जैसे ही चीज मेल्ट होगी हमारा पिज्जा रेडी हो जाएगा। अब्राकडाब्रा गिली गिली चू, ये ले जी पिज्जा तैयार है। चले जी, पहले हम पिज्जा की चीज थोड़ी सेट कर लेते हैं स्पैचुला से और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे बहुत एहतियात के साथ। बिस्मिल्ला। ये ले जी, छोटू पिज्जा जनाब तो रेडी हो चुके हैं। तो कौन कौन ये रेसिपी ट्राई करेगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अब इसी तरह मैं सारे पिज्जा रेडी कर लूंगी। चलिए जी, अब कर लेते हैं हम टेस्टिंग। आप इसके टेक्सचर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना डिलीशियस बना है। बिस्मिल्लाह, यम, इट्स टू यमी। आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और अपने बच्चों को खिलानी है और मेरे साथ अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है। हाँ जी, तो फिर कैसी लगी आपको पिज्जा पैनकेक की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ये कहना मैं भूल गई। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पे मानिला।